समस्या आखिर में सही है, बताइए मेरे को सर। देवी से कुछ नहीं मालूम, इसलिए मैं आज तक डीपीओ भी नहीं गया देखने के लिए। नहीं वो तो है सर, बस सब आप ही करता था कुछ तो कर वही थे सकते जो भी हैं। थे, अब चले गए वो। हाँ भाई, किसके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्या बात हुई, कोई बताने को तैयार नहीं है। कोई तो होगा रिकॉर्ड में कि सब इतना बड़ा काम हवा हवाई में हो जाता है। सर कंपनी को लाने वाले भी जीबीआई के, जीबीआई के जीबीआई कलेक्टर ऑफिस से ही हैं, श्रीनाथ जी सर हैं, हाँ। सत्या सर हैं, उनको भी अगर जब भी कभी पेमेंट का इश्यू होता है या फिर बस का इश्यू होता है या हॉस्टल का इश्यू होता है, कितने बार फोन करके बुलाने से भी कोई सर लोग ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले सर एक स्टैंड छोटा सा जीवा तुरंत दौड़ के सब सब आते थे, सब आते थे, अब तो कोई अब कोई नहीं आता सर, झांक भी नहीं रहा है। क्यों सर, मेरे में हमारी गलती थोड़ी ना सर। तो हम नहीं, गलती मेरी है ना कि मेरी पोस्टिंग दंतेवाड़ा हो गई, नहीं सर है कि आपकी भी नहीं गलती सर। आप सर अब आप ही निराकरण कर सकते बोलता हैं कुछ सर, आप नहीं, हमारे जिला प्रशासन के पूरा कचड़ा डाल के चला गया पुराना कलेक्टर, हर जगह पैसा लगा के। डीएमए में पैसा नहीं है, 200 करोड़ जिले में है, 550 करोड़ का काम सेंक्शन करके चला गया, कहाँ से आएगा पैसा, हर आदमी खड़ा हो जाता है। सब चुनाव के चक्कर में कुछ भी करके चला गया है, एक बार लिख दूंगा तो कार्रवाई हो जाएगी। एक में 25 करोड़ आए, 80 करोड़ का सेंक्शन करके चला गया। ऐसा थोड़ी होता है कि चुनाव आ रहा है तो हम किसी को भी खुश करना करके कहीं भी रोड सेंक्शन कर दिया, कहीं भी प्रोजेक्ट सेंक्शन कर दिया, कहीं भी कुछ कर दिया। बस वही किया गया है सर। 25 करोड़ जिसमें फंड मिला है, 80 करोड़ का काम सेंक्शन करेगा, उसमें सब तुम लोगों का भी ये शामिल है, जिसमें बस में नहीं मिल पा रहा है, बोल रहा है ये नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है। हाँ सर, ऐसा कुछ करना ही क्यों है सर, इसमें अगर इसीलिए बोल रहा हूँ, उसका नंबर लो और बात करो भाई। क्या मैं कुछ नहीं बंद करूंगा सर, आप बताइए, एक सजेशन दीजिए क्या करना चाहिए हम लोग फिर आगे। सर हमारा कम से कम सैलरी तो क्योंकि सर मिल हम तो रोजगार देख चाहते ले, ले, ले किसके साथ बात हुई भाई, ये सैलरी कैसे तो बॉस के साथ है जो फाउंडर जो है, बट इशू उनके साथ में है, मगर वो तो बोल रहे हैं कि बॉस प्रशासन यही गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है उसमें, बॉस यही बोलते हैं कि गवर्नमेंट फंड नहीं दे रहा है, उनका फंड कोई साइन नहीं किया है। एग्रीमेंट होता है सर, एग्रीमेंट के मुताबिक 24 महीने तक शायद कुछ करने का रहता है, उनका कुछ सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट का, वो सपोर्ट हमको नहीं मिल रहा था, हम क्यों तुम्हारे बेस पे काम करेंगे। कौन सा सपोर्ट नहीं मिल रहा है भाई, एक दिन बस नहीं है या कुछ हो गया ऊपर नीचे, वो सपोर्ट नहीं मिल रहे थे, मैंने वो चीज विड्रा नहीं किया अभी तक। हमको वहां से यही बोला जाता है सर, प्रशासन को ही बीच में ला दिया जाता है कि वहां से पैसा नहीं मिल रहा, आपको सबको निकाल दिया जाएगा, जैसे तेज धमकी दे रही सर कंपनी वाली, हम से एक साल तक यहाँ का अपना बुक किया सर, टाइम को अरे चलो यार ठीक है मैं दिखवा लूंगा है ना, लेकिन तुम लोग भी बात बात में हड़ताल की धमकी मत दिया करो। जैसे हम तो फर्स्ट क्या करें सर, अब सर रोजगार की बात नहीं, यही कोई तरीका होता है क्या, बैठना बैठ जाओ हड़ताल पे, फिर हम लोग देखेंगे, अपना तो कुछ है नहीं सर। अब तक तो कुछ सलाम मशवरा जैसे होना चाहिए था, तो कोई तो पहले से आ ही नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है हमारा हमको देखने के लिए यहाँ, तो ये जो कर रहे हैं जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे ही टप है, अब जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक आवाज़ कहाँ जाएगा सर ऊपर, बाहर की कंपनियाँ तो जरूरी था, बोल रही है अब बाहर वाले आके यहाँ काम करने लायक नहीं हो, अब बाहर से मंगाएंगे बोल के। नहीं तो पहले क्यों रखे तुम लोगों को भाई, पहले क्यों रखे, बात वही है सर, पहले आखिर क्यों इस टाइप का आश्वासन देकर रखा गया है, बाहर बाहर से अंदर अंदर गांव से बुला कर, एक साल हो गया सर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना पढ़ाई जो है कर रहे थे वो बीच में छोड़ के आए कि मुझे जॉब मिल गया, कई लोग एग्जाम नहीं दे पाए, नहीं यहाँ छुट्टी नहीं, कॉल कर करके बुलाया सर, ये सिक्योर थे कि हमें जॉब मिल गया हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये तो अधूरा था, हमको तो अंधेरे में रखा गया सब चीज़, उनका जो भी था प्रोजेक्ट था स्टार्टअप था जो भी था, लेकिन उस चक्कर में हम भी आ गए ना सर, जो भी है ये ठीक है मैं दिखाऊंगा है ना। सर आपसे सनम्र निवेदन है सर, इस मामले में हमारे बीपीओ के बेरोजगार युवाओं के मामले में कुछ तो करिए सर, और तो बाहर से मिलेगा दिखा जो कल से, नहीं मैं तो करूंगा ना, लेकिन मेरा तो कोई रोल नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी है उनको काम चाहिए है, और जैसे बोल रहा है बस नहीं गई अचानक, तो उसके लिए क्या कलेक्टर ने थोड़ी मना किया कि रात में मत भेजो शाम को मत भेजो, रोज जा रही एक आध दिन नहीं गई, अल्टरनेट देना चाहिए उन लोगों को अगर बस नहीं भेज रहे हैं तो, और टाइमिंग उस हिसाब से मैनेज करो कि रात ना हो। सर जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद में एंड टाइम पे उन लोग बोलते हैं कि अब बस नहीं जाएगी करके,
तो सर वहाँ कारण तो बताना पड़ता होगा, डीजल नहीं है ऐसा भाई, डीजल में कभी 1.5 करोड़ दिया हूँ उनको लाइवलीहुड कॉलेज को मेरे आने के बाद, यही सब चीज़ों के लिए क्या कर रहा है पैसा को है। चलो ठीक है, मैं सर पावती पावती आप बाहर लिया था, कलेक्टर पावती देगा क्या? सॉरी थैंक यू।